हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीकेंड डायरी विद कस्तूरी। और मैं हूँ कस्तूरी। आज मैं आप लोग के साथ एक नया रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है केसरी चिकन। इसको आप लोग रुमाली रोटी और चपाती के साथ खा सकते हैं। इस बहुत सिंपल सा रेसिपी को मैं किस तरह से बनाऊंगी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पहले वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको बेल आइकॉन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और ये जो मैं वीडियो दूंगी पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अगर ये रेसिपी पसंद करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं और एक लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तीन बड़ा साइज ग्रीन चिली लिया और कुछ गार्लिक ले लिया। अब मैं इसको मिक्सी में पीस गार्लिक का पेस्ट बना लिया। अभी मैं इस पेस्ट को देके चिकन को मैरिनेट कर लूं। मैंने काजू बादाम का पेस्ट बना लिया। चार बड़ा साइज का प्याज काट करके रख दिया और थोड़ा हल्का गर्म पानी में केसर को पहले मैंने भिगा के रखा। अभी मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं चिकन डाल दिया। अब चिकन को मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए। धीरे धीरे मैं हल्का फ्लेम में फ्राई करती रहूंगी। अभी भी पानी है थोड़ा सा, जब तक पानी रहेगा तब तक आप कंची चलाते रहिए। हाफ कटोरी खट्टा दही लिया और इसके खट्टा दही और काजू बादाम का जो पेस्ट मैंने बना के रखी थी उसके साथ मैं मिला दूंगी। थोड़ा गरम मसाला, शाही गरम मसाला ले सकते हो आप, वो मैं डाल दूंगी। थोड़ा धनिया पाउडर बस, और कुछ नहीं। हमको खड़ा मसाला इसमें यूज नहीं करना है, इतना सा ही मसाला हमको यूज करना है। मेरा अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा मिक्स कर लिया। अभी मेरा धीरे धीरे चिकन पकने लगा है। पेस्ट को चिकन में डाल दूंगी। डाल दिया मैंने। अभी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। सॉल्ट डाल दूंगी, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा चीनी भी डाल दूंगी, ये आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा डालती हूँ, तो इसका नमक और चीनी का टेस्ट अगर एक साथ होता है तो टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। खड़ा मसाला कुछ नहीं जाएगा, जो मैंने पेस्ट में डाला था गरम मसाला और धनिया पाउडर बस उतना ही है और कुछ नहीं डालना है। केसर का वो जो पानी है वो डाल दूंगी पूरा। जो मैंने प्याज पहले काट करके रखी थी उसको थोड़ा बिरिस्ता बनाया, अब मैं उस बिरिस्ता को डाल रही हूँ। मेरे चिकन में उबाल आ चुका है, मतलब चिकन पक चुका।
मेरा बन के रेडी हो गया है। मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल दूँ। अब मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा ऊपर से बिरिस्ता को डाल दिया।